बड़ी खबर फ्रांस से, जहां के संसदीय चुनाव में लेफ्ट गठबंधन को बढ़त मिली है। संसदीय चुनाव में लेफ्ट गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी को 168 सीटें मिली हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये बताते चले कि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एक पार्टी और सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट जो अलायंस है उसको बढ़त मिलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा, उसके बाद जो स्थिति है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो लगातार इसमें अपडेट आपको हम दे रहे हैं। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए जो एग्जिट पोल्स थे उसमें ये दावा किया गया था कि नया वामपंथी गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जो है वो जीत सकता है। और इन सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रपति जो मैक्रोन की अगुवाई में वाला जो गठबंधन है वो दूसरे स्थान पर रह सकता है और जो तीसरा दल है वो स्थान पर रह सकता है। लेकिन किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिलने से फ्रांस में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। और अब तस्वीरें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को बड़ी हार मिलने के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने समय से पहले संसद भंग कर एक बड़ा खेल खेला। हालांकि अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि लेफ्ट जो अलायंस है उसको यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, 182 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि तस्वीर कैसे सामने आती है। आश्रम में दानदाताओं की लिस्ट लगी है, उसका पर्दाफाश अब हुआ है। लिस्ट में कम दान देने वालों के नाम नहीं है। 10,000 रुपए से जिनके भी कम दान है उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। बाबा को लाखों का दान देने वालों की अब जांच होगी, अब वो लोग भी रडार पर हैं। इसके अलावा जो बाबा का मुख्य सेवादार था, जो फंडिंग जुटाता था, अब उस फंडिंग की जांच भी होगी कि फंडिंग ये कहां से मिलती थी। तो ऐसे अब एक एक पहलू की बड़ी ही बारीकी के साथ जांच पड़ताल हो रही है। तो वहीं बाबा साकर हरि को मिले फंडिंग की जांच होगी, जैसे कि अभी पलक बता रही थी। और ऐसे में सूरजपाल से भी पूछताछ की जा सकती है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है न्यायिक आयोग। जांच में आयकर विभाग की भी मदद पुलिस लेगी कि आखिर जो पैसा मिलता था वो कहां से आता था, क्या उसका सोर्स था, कौन फंडिंग करता था। क्योंकि अभी तक देखिए जो खुलासे हुए हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर नारायण साकार हरि के आश्रम है और जो उनके अनुयायी है वो वहां पर पहुंचते थे, रहते थे। तो आखिर इसकी फंडिंग कहां से होती थी। अब देखिए किस तरीके से न्यायिक आयोग ने 34 लोगों के बयान अभी तक दर्ज कर लिए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में क्योंकि न्यायिक जाँच आयोग ने दूसरे दिन यानी कि कल पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आम लोगों के बयान दर्ज कराने के लिए उनको बुलाया और इस दौरान 34 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए। आयोग ने रविवार को आम लोगों को बयानों के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले पुलिस अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए गए थे। आपको बता दें किस तरीके से पुलिस के कब्जे में भोले बाबा का चांदनी, जो चांदी का सिंहासन है वो भी पुलिस के कब्जे में है जिस पर बाबा बैठता था। और अगर कहीं पर भी सत्संग होता था तो फिर इसी चेयर को ले जाया जाता था बदायूं से और उसी पर बैठकर बाबा प्रवचन देता था। अब उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं इसी के साथ में। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। अब हाथरस कांड को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि मृतकों के परिजनों को कम मुआवजा मिल रहा है, राहुल गांधी ने कहा, और वो चिट्ठी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीड़ितों को और मुआवजा मिलना चाहिए, मृतकों के परिजनों को ज्यादा मुआवजा मिले, राहुल गांधी ने कहा। और देखिए राहुल गांधी पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उस सबके बीच में अब राजनीति भी इस पूरे मामले के ऊपर गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर चिट्ठी लिखकर मुआवजा कम होने की बात कही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और क्योंकि राहुल गांधी यूपी की रायबरेली से सांसद हैं तो ऐसे में देखिए किस तरीके से वो बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिख करके उन्होंने कहा है कि जो मुआवजे की राशि है वो कम है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। आगे बढ़ते टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। दरअसल एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। रेखा शर्मा पर महुआ ने विवादित टिप्पणी कर दी थी और इसी को लेकर के टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। आपको बताते चले राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उनकी तरफ से ये पूरा जो परिवाद है वो दायर करवाया गया है। और कहा गया है शिकायत में कि जो आरोप और जो जिस तरीके से टिप्पणी की गई है रेखा शर्मा के विरुद्ध वो सही नहीं है, ये महिलाओं की गरिमा को तार तार कर देने वाला और इसी वजह से FIR दर्ज हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं, क्या करती हैं वो देखना होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहाँ पर NTR जिले की सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला सामने आया।
सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट में 16 लोग जख्मी हुए हैं, ये एक बड़ी जानकारी है। वहां पर एनटीआर जिले की सीमेंट फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें एकदम से ब्लास्ट होता है। 16 लोग फिलहाल जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे, क्या सीमेंट फैक्ट्री में वहाँ पर जो उपकरण होने चाहिए फायर सेफ्टी को लेकर के, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या वो इक्विपमेंट्स वहाँ पर नहीं थे, क्या वहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं थी? क्योंकि कई मर्तबा अलग अलग हिस्सों से जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे जो यंत्र लगाए जाने चाहिए अग्निशमन को लेकर के, क्या वहाँ पर नहीं लगाए जाते हैं, क्या जो तय नियम होते हैं, जो तय मानक होते हैं, क्या उसको वहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन क्या जानकारी देगा वो देखना होगा, लेकिन 16 लोग जख्मी हुए हैं। चलिए आगे बढ़ती हुई बात होगी झारखंड के देवघर की, जहाँ पर 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। एनडीआरएफ ने 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, उनका रेस्क्यू किया और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे वहां पर कैसी भगदड़ की स्थिति बन गई। झारखंड के देवघर की तस्वीरें जहां पर 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और इसमें 3 लोगों की अब तक मौत की जानकारी है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है, जो मलबा है उसको हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की खबर अब तक इसमें मिल रही है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है जो कि लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। 6 लोगों को अब तक रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित निकाला जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। खबर इस वक्त आगरा से मिल रही है। तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, 1 महिला और 3 बच्चों को बचाया गया है। खंदौली में यमुना एक्सप्रेसवे के पास ये पूरा हादसा हो गया है। देखिए किस तरीके से तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई है, ये दुखद खबर मिल रही है। और ये देखिए खंदौली में यमुना एक्सप्रेसवे के पास ये हादसा हुआ जिसके बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई है। 1 महिला और 3 बच्चों को हालांकि बचा लिया गया है। और प्रीति, नवोदय टाइम्स में खबर भी फ्रंट पेज पर बताई गई है जिसमें बताया कि तालाब में गिरी महिला को बचाने के लिए 8 बच्चे कूद जाते हैं। आगरा में 7 जुलाई की ये घटना, जहां पर आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास में तालाब में सुबह 4 बच्चियों के डूबने से मौत हो गई। और इसी से जुड़ी हमारे संवाददाता की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से, क्या कुछ स्थितियां बनी इसको लेकर के। आगरा शहर के थाना खंदौली में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से इन बच्चों की जान गई है। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से रेन हार्वेस्टिंग की लिए एक यह तालाब खोदा गया और एक्सप्रेसवे का जितना भी पानी है वो इसी गड्ढे में आ रहा है और यही वजह रही कि सुबह 7 बच्चे इस गड्ढे में नहाने के लिए पहुंचे। जब वो डूबने लगे तो एक महिला ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और उसी दौरान वो महिला भी डूब गई। हालांकि पुलिस की तरफ से 4 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, 3 सकुशल बाहर निकाल लिए गए। 1 बच्चे की हालत अभी भी एसएन मेडिकल कॉलेज में नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। यमुना एक्सप्रेस वे का जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे कई परिवार झुग्गी झोंपड़ी डालकर रहते हैं। बताया जा रहा है ये बच्चे उन्हीं में से थे। हालांकि अब जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर ये लापरवाही किसकी है और उस लापरवाही पे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल। हॉट 24 के लिए आगरा से शिव चौहान। चलिए बात कर लेते हैं प्रयागराज की। अपना दल के नेता की हत्या का मामला सामने आया। इंद्रजीत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पारिवारिक विवाद में युवक ने गोली मारी। पुलिस ने सर्वेश नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक का वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये जो सर्वेश बताया जा रहा है वो आरोपी युवक वहीं पर पास में रहने वाला है और कहा जा रहा है कि आपसे रंजिश किसी बात को लेकर के पहले से ही विवाद था और वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो शख्स खून का प्यासा हो गया। वहाँ पर वो पहुँचता है, जिस शख्स की हत्या की गई है वो अपना दल सोनेराल से जुड़े हुए थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस फिलहाल मौजूद है, लेकिन ये जो फुटेज सामने आई, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी नजर आ रही है। पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सर्वेश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है कि उसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन प्रयागराज में एक बार फिर से जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी है उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या कानून का कोई खौफ नहीं है, कानून का कोई भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिन दहाड़े एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वो भी एक राजनीतिक दल से जो ताल्लुक रखता है और इस घटना को और किसी ने नहीं, पास के रहने वाले ही एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। और अब आगे बढ़ते हुए बात मणिपुर की होगी, जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। संयुक्त तलाशी अभियान में सेना और पुलिस को मिली है ये बड़ी सफलता। हिंसाग्रस्त मणिपुर में सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार
और गोला बारूद बरामद किए हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान वहां पर चलाया। भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने रविवार को अभियान यहां पर चलाया, तलाशी अभियान यहां पर किया। साथ में डॉग स्क्वाड भी मौजूद था। तलाशी में एक हैवी कैलिबर 70 mm लॉन्चर, 2 9 mm पिस्टल, इसके अलावा एक 12 बोर सिंगर बैरल गन, एक इम्प्रोवाइज्ड ग्रेनेड लॉन्चर भी उनको बरामद हुआ है। तो पूरे हथियार का जखीरा यहां से बरामद हुआ है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है। सेना और पुलिस दोनों की तरफ से संयुक्त ये अभियान चलाया गया। मणिपुर पुलिस को अब जांच के लिए ये पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। और चलिए अब बात आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की करते हैं। सूरत में महिला की हत्या की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। बैरल में महिला का शव मिला था और ऐसे में पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतारा था। हत्या कर शव को 2 दिनों तक घर में रखा। पुलिस ने पति संजय पटेल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सूरत के मेस्तान इलाके में पिछले दिनों एक शव मिला था। पुलिस ने अब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी है और पुलिस ने कहा कि भावनगर की धर्मिष्ठा नाम की महिला की हत्या उसके ही पति संजय पटेल ने की थी। उसने 27 तारीख को अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को 2 दिनों तक घर में छिपाए रखा। आरोपी पति ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने के बाद शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि मलबे से एक पाइप पर लाया गया है और मजदूरों के मदद से पाइप में शव को रख कर किस तरीके से सीमेंट भर दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि 2 अलग CCTV की जांच और 50 से अधिक सोसाइटी और श्रमिक कॉलोनियों की तलाशी लेने के बाद इस हत्या का पूरा मामला सुलझाया गया। 200 ऐसे CCTV फुटेज थे जिनको खंगाला गया और तमाम सोसाइटीज में गई पुलिस की टीम, तब जाके ये पूरी गुत्थी समझ आई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। HDFC बैंक करेगा सिस्टम अपग्रेड, 14 घंटों के लिए काम नहीं करेगा आपका अकाउंट। UPI, ATM समेत ये सेवाएं भी होंगी प्रभावित। HDFC बैंक 13 जुलाई 2024 को एक सिस्टम अपग्रेड करेगा। इस दौरान बैंक की कई सेवाएं लगभग 14 घंटों के लिए आंशिक या फिर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेगी। बैंक देश भर में 9 करोड़ 30 लाख लोगों और व्यवसायियों के अपने बड़े ग्राहक आधार के लिए ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को एक नए इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा है। लगभग 14 घंटे तक कुछ सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। HDFC बैंक ने ये जानकारी दी कि इस माइग्रेशन का उद्देश्य प्रदर्शन की गति में सुधार करना, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ाना और विश्वसनीयता तथा स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है। बैंक ने यह भी आगे कहा कि 13.5 घंटे की इस अवधि के दौरान ग्राहकों को कुछ सेवाओं तक सीमित पहुंच मिलेगी। शनिवार की सुबह 3 बजे से बैंक सिस्टम अपग्रेड की प्रक्रिया को शुरू करेगा और शनिवार को ही शाम 4:30 बजे इसके पूरा होने की उम्मीद है। सुबह 3 बजे से 3:45 तक और सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12:45 तक छोड़कर नेट और मोबाइल बैंकिंग UPI सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई 2024 को शाम 7:30 बजे तक उपलब्ध राशि को ही बैंक आपका बैलेंस मांगकर चलेगा।